हेलो फ्रेंड्स, किंग फार्मेसी में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार फार्मासिस्ट आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे कोरोना की तीसरी लेयर ओमिक्रॉन वेरिएंट पर। ओमिक्रॉन वेरिएंट नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। क्या पता आपके मोबाइल की या कॉल की हेलो टून भी हो सकती है। प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको पहले मिले। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग से ओमिक्रॉन वेरिएंट, वी का मतलब ये एक दक्षिण अफ्रीका का शहर है, वह है बोत्सवाना। इसके लिए ये वी जुड़ा हुआ है और 1.1 ये जेनेटिक नेम है जो ओमिक्रॉन वेरियंट से साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट कोरोना का कहर मींस लैम्डा और डेल्टा। लैम्डा और डेल्टा दोनों ही खतरनाक थे। लैम्डा फर्स्ट वेव एंड डेल्टा सेकंड वेव। फर्स्ट वेव बहुत ही डेंजर थी एंड सेकंड वेव डेल्टा ये भी बहुत ही डेंजर साबित हुई। थर्ड वेव मींस ओमिक्रॉन। क्यों डेंजर है ओमिक्रॉन? पहले बात करते हैं लैम्डा। लैम्डा में ओनली 13 वेव यानी कि 13 म्यूटेशन हुआ था यानी कि, और डेल्टा में भी ओनली 7 टाइप्स के म्यूटेशन हुए थे। ओमिक्रॉन अभी तक जितने WHO के अकॉर्डिंग म्यूटेशन की जानकारी हुई है टोटल 50 म्यूटेशन हो चुके हैं। मींस ये बहुत ही डेंजर है और इसको हल्के में लेना बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन यानी कि कितना डेंजर साबित हो सकता है डेल्टा वेरिएंट यानी कि सेकेंड वेव से 5 गुना ताकतवर है। और मेन टॉपिक यानी कि मेन रीजन ये है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी पर भी बेअसर है। और ओमिक्रॉन अब तक 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं और प्लस स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन से वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन क्या होता है? जो 30 म्यूटेशन जो भी वायरस कर चुका है उसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन कहते हैं जो किसी भी प्रकार की वैक्सीन को चकमा दे सकते हैं। नेक्स्ट इससे ग्रस्त व्यक्ति यानी कि ओमिक्रॉन का पेशेंट है या उससे इन्फेक्शन है वो लगभग 30 लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है जो कि डेल्टा एंड लैम्डा। डेल्टा ओनली 7 या 8 लोगों तक असर कर सकता था एंड लैम्डा 3 से 4 लोगों के बीच ही इन्फेक्शन हो सकता था या 5वें या 6ठे पेशेंट तक जाते जाते उसका असर हल्का हो जाता था। इसलिए ये बहुत ही डेंजर है। डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है और ये अलग यानी कि ओमिक्रॉन के लक्षण है जो डेल्टा वेरिएंट से बहुत ही अलग है। फर्स्ट मांसपेशियों में खिंचाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड हल्का बुखार ये डेल्टा में भी था और ओमिक्रॉन में भी है। गले में खराश ये डेल्टा में भी था एंड इसमें भी है। थकान ये डेल्टा में भी था एंड ओमिक्रॉन में भी है। सिर दर्द ये ओमिक्रॉन का एक स्पेसिफिक सिम्टम है जो इसी में पाया जाए एंड स्मेल एंड टेस्ट दोनों एक्टिव यानी कि दोनों को लेने में या प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ लोगों में एसिमोमेटिक सिम्टम पाया जाए यानी कि कुछ किसी भी प्रकार के सिम्टम यानी कि नाक के बराबर सिम्टम है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट से शरीर को कैसे बचा जा सकता है यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट मीन्स वायरस को अपने को बचाने के लिए अपनी बॉडी को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए एंड टोटल दिन यानी कि 24 आवर में 30 से 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें। चाहे आप रोक करो, चाहे एक्सरसाइज करो या रनिंग या मॉर्निंग वॉक कुछ भी हो। बॉडी में विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए मीन्स विटामिन बी, विटामिन सी एंड एक्स्ट्रा और
कच्चे फल फ्रूट पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अमरूद हो गए, हरी सब्जियां हो गई, पालक हो गई एक्सेट्रा। और हर रोज गर्मियों में, यानी कि गर्मियों में टाइमिंग रहना चाहिए सर्दी यानी कि धूप लेने का, सुबह 8 से 10। एंड सर्दियों में, अभी प्रेजेंट में सर्दियाँ चल रही है, तो टाइमिंग कभी भी हो सकता है 11 से 1 के लगभग 35 से 40 मिनट की धूप लेना चाहिए। मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन जरूर करें, ये बोलना ही नहीं चाहिए। एंड लास्ट में वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन जरूर लगवा लें। अभी तक 30% लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई है दोनों। एंड बहुत से लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन पर भी असर कर सकता है, यानी कि वैक्सीन से अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है। और एंड वैक्सीन लगवाने से अपनी बॉडी में एंटीबॉडी का जन्म होता है, यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण होता रहता है, इससे अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से अपन ओमिक्रॉन वेरिएंट को होने के बाद किस टेस्ट से अपन पता लगा सकते हैं? एक तो आरटीपीसीआर टेस्ट, ये अपन डेल्टा और लेमडा दोनों में यूज कर चुके हैं, इससे अपन पता लगा सकते हैं WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट जेनेटिक सीक्वेंस, ये कोई भी वेरिएंट होता है, कोई भी वायरस होता है जो जेनेटिक फैक्टर है या म्यूटेशन कर रहा है, तो उसे अपन जेनेटिक सीक्वेंस के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।